Why India is so great? सुनने में तो ये सिर्फ चंद शब्द ही हैं, लेकिन अगर इनका मतलब निकाला जाए तो शायद कई साल लग जाएंगे सिर्फ यही समझने में कि भारत शुरू से ही इतना महान क्यों है। वो देश जिसने तमाम युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन आज तक किसी भी दूसरे की सरजमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया। वो देश जहां नलों में पानी भले ही देर से आता हो, लेकिन चंद्रमा पर पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही खोजा था। वो देश जहां लोगों के टूथपेस्ट में भले ही नमक कम हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी के खून में देश का नमक जरूर होता है। वो देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वैसे ऊंचाई से मुझे याद आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे ही देश में है, जो कि धर्मशाला में स्थित है। चलिए आपको धर्मशाला से थोड़ा और ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने भले ही विमान का आविष्कार करके दुनिया के सामने एक नायाब चीज जरूर पेश की हो, लेकिन इसको बनाने की विधि हमारे देश के एक महान ऋषि भारद्वाज के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही अपने विमान शास्त्र में लिख दी थी। चलिए वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसने इस पूरी दुनिया को यूएसबी की सौगात दी है? जी हाँ, यूएसबी के इन्वेंटर एक भारतीय ही हैं, जिनका नाम अजय वी भट्ट है। वैसे यूएसबी अमूमन कंप्यूटर्स में ही यूज की जाती है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स बाइनरी कोड की लैंग्वेज को समझता है। अब आप सब बाइनरी कोड की खोज का श्रेय भले ही गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को देते हो, लेकिन वास्तव में इसकी खोज मौर्य काल की एक प्रसिद्ध विद्वान बिंगल ने अपने छंद्र शास्त्र में की थी, और वो भी मिस्टर गॉटफ्राइड से हजारों वर्ष पहले। तो एक तरीके से दुनिया को कंप्यूटर की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही है। वैसे अमूमन 70% इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। वैसे इंटरनेट से मुझे याद आया कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला वो देश है जहां सबसे कम दाम पर 4G की फास्ट इंटरनेट सेवा दी जाती है। वैसे फास्ट स्पीड में चलते चलते हम इतना ग्रो कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब इतनी स्पीड की बात हो ही रही है, तो हम ब्रह्मोस को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज स्पीड पर चलने वाली मिसाइल है, जिसने भारत की सैन्य शक्ति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। वैसे सैन्य शक्ति से मुझे याद आया कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और इस सैन्य शक्ति का हर एक सिपाही इस देश के लिए हीरो है। अब हीरो की बात हो ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया को हीरे की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। ये वो देश है जिस पर जरा सा भी अगर संकट आता है तो हर धर्म का इंसान एकजुट होकर अपनी भारत माता के दूध का कर्ज उतारने के लिए दुश्मन के आगे अपना सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है। वैसे दूध से मुझे याद आया कि भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ये वो देश है जहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यहां की कुछ भाषाएं खड़ी होती हैं तो कुछ भाषाएं मीठी। वैसे मीठे से मुझे याद आया कि इस दुनिया को मिठाई की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। भारत ने ही सबसे पहले चीनी को साफ करने और उसकी क्रिस्टल बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये वो देश है जहां खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना, एक जज्बात और एक जुनून होता है। तभी तो इस देश ने चेस, लूडो, सांपसीढ़ी, हॉकी, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे महान खेलों को जन्म दिया है। जी हाँ, बहुत से लोग मार्शल आर्ट को चाइना की कला मानते हैं, लेकिन हकीकत में मार्शल आर्ट को भारत के बोधि धर्मा के द्वारा चाइना तक पहुंचाया गया था। अब बात अगर इतनी एक्सरसाइज की हो ही रही है, तो हम भारत की योग कला को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? इस देश की योग कला का लोहा तो पूरे विश्व भर ने माना है, तभी तो पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि शिक्षा के मामले में भी भारत किसी से कम नहीं है। तभी तो 2800 वर्ष पूर्व भारत के गणितज्ञ बोधायन ने दुनिया को एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे एडवांस मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स दिए। वैसे मैथमेटिक्स जीरो के बिना यूजलेस है, राइट? और जीरो से मुझे याद आता है कि जीरो का आविष्कार भी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के मामले में भी हम किसी से कम नहीं है। तभी तो टी सीरीज यूट्यूब चैनल इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और बहुत ही कम समय में यह दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा चैनल भी बन जाएगा। वैसे समय से मुझे याद आता है कि दुनिया को समय की अहमियत सिखाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना ही देश था। तभी तो दुनिया की सबसे पहली धूप से चलने वाली घड़ी भारतीय महलों में ही बनाई गई थी, और इसी के बाद दुनिया को यह भी मालूम पड़ा कि वास्तव में समय नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, ये तो मेरे देश की एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे अपनी जुबान से आप सब लोगों को सुनानी थी। आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एटलीस्ट सब लोगों को ये मालूम पड़ सके कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। जय हिंद।